स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास प्लस टू के चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स की नेमिंग रिएक्शंस कर रहे हैं। आज की जो हमारी नेमिंग रिएक्शन है वो है हॉफमैन अमोनोलिसिस। ये रिएक्शन जो है वो एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें जो है वो हम हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करते हैं अमाइनो ग्रुप के साथ। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन्स बाय द अमाइनो ग्रुप, तो हम हॉफमैन अमोनोलिसिस के अंदर हम जो है वो हैलोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी ना किसी अमाइनो ग्रुप के साथ। अमाइनो ग्रुप होता है हमारा NH2 के साथ जो है वो हम रिप्लेस करते हैं हैलोजन फैमिली को। किसी भी हेलो एल्केन में से एक्स को हटा के उसकी जगह पे जो है वो हम NH2 जो है वो अमाइनो ग्रुप जो है वो हम ऐड करते हैं हॉफमैन अमोनोलिसिस के अंदर। तो इसके अंदर क्या बनेगा, इसके अंदर अमाइंस बनती है। फॉर्मेशन ऑफ अमाइंस टेक्स प्लेस। तो इस रिएक्शन में हमारे पास अमाइंस बनती हैं। हेलो एल्केन्स आर ट्रीटेड विद इथनोलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया एट 373 केल्विन। तो इसमें हम क्या करते हैं, हेलो एल्केन्स को ट्रीट करवाते हैं विद इथनोलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया के इथनोलिक सॉल्यूशन के साथ उसको गर्म किया जाता है हेलो एल्केन्स को एट टेम्परेचर ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन। इसमें हमें मिलता क्या, अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो इसमें जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो मिक्सचर होता है, उसमें प्राइमरी अमाइन भी होती है, सेकेंडरी अमाइन भी होती है, टर्शियरी अमाइन्स भी होती हैं, और साथ के साथ हमारे पास क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट भी जो है वो मिलता है। सेपरेटली नहीं मिलती है हमें, हमें जो है वो मिक्सचर में मिलता है। तो हॉफमैन अमोनोलिसिस के बारे में आपको क्या बातें याद रखनी है, फर्स्ट इट इज़ अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन दिस हैलोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द अमाइनो ग्रुप। हैलोजन को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं अमाइनो ग्रुप के साथ। इसमें जो है फॉर्मेशन ऑफ अमाइंस होती हैं। किया क्या जाता है, हेलो एल्केन्स को ट्रीट किया जाता है विद इथनोलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। इथनोलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया के साथ ट्रीट किया जाता है, गर्म किया जाता है उसको एट 373 केल्विन टेम्परेचर और 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। इसमें हमें मिक्सचर मिलता है प्राइमरी टर्शियरी और क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट का। आगे हमारी रिएक्शन है, ये हमारी रिएक्शन लिखी हुई है। सबसे पहले हमने एक हेलो एल्केन ली है जो कि हमारी यहाँ पे ब्रोमो इथेन है, उसको जो है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल और उसको गर्म किया। गर्म होने पे हुआ क्या है, ये HBr जो है वो वापस बाहर निकल जाएगा और ये NH2 जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। तो हमारे पास प्राइमरी अमाइंस बनती है, इथेन अमाइन हमारे पास जो है वो फॉर्म होगी प्राइमरी अमाइन प्लस साथ में जो है वो HBr रिलीज हो जाता है। सेकेंड यहाँ पे आके रिएक्शन रुकती नहीं है क्योंकि हमारे पास जो अमोनिया होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में होती है, वो ख़त्म नहीं होती, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। इसलिए यहाँ पे प्राइमरी अमाइन का प्रोडक्ट मिलने पे ही रिएक्शन रुकती नहीं है। आगे हमारी जो प्राइमरी अमाइन का प्रोडक्ट होता, प्राइमरी अमाइन जो होती है वो आगे फिर से जो है वो हमारे हेलो एल्केन्स के साथ रिएक्ट करवाती है। वहाँ से फिर से जो है वो HBr बाहर निकलता है और ये C2H3 जो है यहाँ पे आके फिर से अटैच हो जाता है। तो हमारे पास सेकेंडरी अमाइंस मिलते हैं, ये हमारा हो जाएगा डाईथाइल अमाइन या फिर इथाइल इथेन अमाइन जो है वो हमें मिलती है। सेकेंडरी प्रोडक्ट आने के बाद ये रिएक्शन आगे फिर टर्शियरी प्रोडक्ट देती है। आगे ये वाला प्रोडक्ट फिर से जो है वो आगे हमारा सेकेंडरी प्रोडक्ट जो है वो फिर से अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है और हमें जो है वो टर्शियरी प्रोडक्ट देता है और हमारे पास बनता है NN डाई इथाइल इथेन अमाइन। तो हमारे पास जो है वो इसमें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों प्रोडक्ट मिल गए हैं। आगे ये टर्शियरी का जो प्रोडक्ट है वो फिर से आगे जो है वो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है और हमें जो है वो सॉल्ट बन के देता है। धीरे धीरे जो है वो सारे एच रिलीज निकलेंगे। चार स्टेप्स में होगी रिएक्शन। पहले स्टेप में अमोनिया का फर्स्ट एच जाएगा, दूसरे स्टेप में जो है वो सेकेंड एच जाएगा, थर्ड स्टेप में थर्ड एच जो है वो निकल जाएगा, फोर्थ स्टेप जो है वो अमोनिया के ऊपर जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं वो यूज अप हो जाते हैं, जिसके कारण लास्ट में जो है वो हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये रिएक्शन तब तक चलती रहती है जब तक कि नाइट्रोजन के ऊपर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंस हो। तो इसीलिए हमें जो है वो मिक्सचर मिलता है इस रिएक्शन में से। ये रिएक्शन जो है वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है, जिसमें जो है वो अमोनिया एज अ बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल और अटैक करता है बैक साइड से। होता क्या, अमोनिया अल्काइल ग्रुप के ऊपर अटैक करता है तो हैलोजन जो है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होने के कारण जो है वो लीव करके चली जाती है। जैसी जो है वो अमोनिया अल्काइल ग्रुप के साथ ऐड हो जाती है तो नाइट्रोजन के लोन पेयर यूज अप हो जाते हैं, वही लोन पेयर यूज होने के कारण जो है वो N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है,
लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने के कारण अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो हैंडल नहीं कर पाता, इसलिए जो हाइड्रोजन से वो अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेता और यहाँ से एच पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा, एच पॉजिटिव एक्स नेगेटिव के साथ मिलकर हमें एच एक्स देता और साथ हमारी जो है वो प्राइमरी अमाइन जो है वो हमें मिल गई। आगे फिर से ये स्टेप फिर से जो है वो सेम बार बार रिपीट होता रहता है जब तक कि नाइट्रोजन के ऊपर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंस होती है। तो ये थी हमारी होफमैन अमोलिसिस रिएक्शन, इसमें जो है वो हमारी अमाइंस की फॉर्मेशन होती है। ये एक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है जिसमें हम हैलोजन को माइनर ग्रुप के साथ सब्सटीट्यूट करते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।